नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा, राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से करण जीके की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के इस चरण में मैं आपसे कुछ दो सूचनाएं शेयर करना चाहूंगा और फिर जो आज का टॉपिक है उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात तो एक आप कह सकते हो कि हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हमारी क्लास के स्टूडेंट राकेश मीना का रेलवे में सिलेक्शन हुआ है और उनकी उपलब्धि ये है कि अभी सीजीएल मेंस भी दे रखा है और इसके अलावा एमटीएस में भी उनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। देखते हैं आगे वो क्या प्रोग्रेसिव उनका क्राइटेरिया रहता है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल उनका रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है। टेक्नीशियन की पोस्ट है और इस उपलक्ष में मैं राकेश मीना को, उसके परिवार को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से और आप सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का नाम भी एक दिन मैं इस रूप में लूँ। तो आप इस दिशा में काम करते जाइए और जीके से संबंधित कोई भी समस्या है उसको मैं हर संभव दूर करने का प्रयास करता रहूँगा, लेकिन ये मुझे सौभाग्य आप ज़रूर दें कि मैं आपका नाम यहाँ पर लूँ। इसलिए एक एक मिनट को, एक एक जो आपका जो समय है उसको इस तरीके से मैनेज रखिए जो आपके लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस राकेश मीना को दोबारा बधाई देता हूं। और दूसरी न्यूज ये है कि हम नए बैचेज प्रारंभ कर रहे हैं मंडे से 23 दिसंबर को नए बैचेज है। हमारे जो बैचेज होते हैं वो पार्ट्स पे होते हैं। आप जानते हो कि जो जीके हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, उसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आती है। और राउंडिंग बेस सिस्टम होता है, राउंडिंग बेस सिस्टम के तहत आप कहीं जहाँ से भी स्टार्ट करोगे वहीं समाप्त हो जाएगा। मतलब आपका जो टॉपिक, पहला टॉपिक हो, जिस टॉपिक से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे वो आपका लास्ट टॉपिक होगा। इस तरीके से अपनों ने सिलेबस को आई एस प्री जो है वहाँ तक हमने इसको कवर कर रखा है। तो उस संदर्भ में आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो आप में वो हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए आपको जीके में दोबारा कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी दिशा में जो मंडे 23 दिसंबर को है उसमें सुबह 7:30 से 9 बजे ये अपना एक बैच होता है 1.5 घंटे का। इसमें
एनालिटिकल इकोनॉमिक्स चलेगी और साइंस का नया टॉपिक चलेगा, साइंस का न्यू टॉपिक चलेगा, समझ रहे हो ना। टॉपिक साइंस चल रही है अभी, लेकिन न्यू टॉपिक चलेगा। अभी मैंने आपको कहा राउंडिंग बेस सिस्टम। तो एनालिटिकल इकोनॉमिक्स है, थोड़ा सा बता देता हूं कि एनालिटिकल इकोनॉमिक्स में मुद्रा और बैंकिंग जो हमारी समझ पे डिपेंड करते हैं। देखो, एक तो क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स में कि राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये कोई दादा भाई नौर जी, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहें कि यदि किसी घटिया वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके से आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारी समझ पर डिपेंड करते हैं, वो एनालिटिकल विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र कह सकते हो आप इसको। और साइंस का नया टॉपिक चलूंगा, यही क्रम 9 से 11 बजे तक रहेगा, सेम यही पोर्शन इसमें चलेंगे, क्लियर। और 12 से 1 यहां पर साइंस का नया टॉपिक चलेगा, साइंस का न्यू टॉपिक। और 1 से 2 में जो हिस्ट्री चलती है उसमें तो थोड़ा बीच में चल रहा है, लेकिन फिर भी वो नए टॉपिक आते जाते रहते हैं। ये जो अपना होगा ये सब महेश नगर में होगा, ये महेश नगर ब्रांच में है, और यहां पर 3 से 5 और 6 से 7.5 बीच में इनके राजस्थान जी के होता है, वो भी अभी नया ही चला है लेकिन बीच में है, ये चलेगी सेम यही पोर्शन एनालिटिकल इकोनॉमिक्स, सेम यही, और साइंस, साइंस का सेम पोर्शन ये चलेगा, ये क्लियर। तो ये कुछ नए बैचेस से संबंधित सूचना थी। इस संदर्भ में ये जो हम बात करें, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर राजस्थान जी के होता है और यहाँ भी राजस्थान जी के होता है, वो अभी चल रहा है। तो ये नए बैचेस से संबंधित कुछ सूचना थी। इसी सूचना के बाद अब अगले चरण के तहत मैं आपसे एक बहुत ही छोटे टॉपिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आपने अखबार में एक बात पढ़ी होगी, 5 आई, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 5 आई 5 देशों का एक समूह है जो चीन के हिंद सागर में बढ़ते प्रभाव पर नज़र रखेगा। आप जानते हो कि चाइना जो है हिंद महासागर पर लगातार कब्जा बनाए जा रहा है, इससे पूरा विश्व चिंतित है। पूरे विश्व चिंतित कैसे हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि आप देख लीजिए समुद्री मार्ग हैं, इनमें व्यापार एक देश दूसरे देश से करता है तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। इन पर यदि कोई एक देश अपने अधिकार को रखने लग जाएगा तो फिर सारा व्यापार प्रभावित हो जाएगा। इसी दिशा में 5 देशों का एक समूह बना है जिनको 5 आई के नाम से जाना जाता है। अब वो 5 आई में कौन कौन से देश शामिल हैं, कैसे क्या सिस्टम क्वेश्चन बनेगा, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग डालिए 5 आई। फाइव आईज है ये, आईज नाम आईज है लेकिन वैसे ये इंटेलिजेंस से संबंधित है। ये क्या है, पहली बात तो 5 देशों का समूह है, ये 5 देशों का समूह है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखेगा, चीन के बढ़ते प्रभाव पर नजर रखेगा,
एक तो ये है। अब इसमें शामिल देश कौन से हैं? टोटल पांच देश हैं, इन पांच देशों का नाम पता होना चाहिए, यहीं से आपके क्वेश्चन उठ कर आएंगे। यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कह सकते हो, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पांच देश हैं। अब देखिए ये पांच देश इसके अंदर शामिल हैं, यहां से हम कैसे क्वेश्चन उठा सकते हैं। एक तो हिंद महासागर को आप मैप में जाके देखिए, पहली बात तो उसके आसपास के क्राइटेरिया को देखिए, इंडिया मिलेगा आपको, श्रीलंका मिलेगा, नीचे इंडोनेशिया वगैरह है, ऊपर चाइना, वियतनाम, इस साइड में देखोगे तो फिलीपींस, ऊपर जापान, ऐसे मिलेगा ये, सॉरी ये जापान और जो फिलीपींस है ये प्रशांत महासागर में आते हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं, और ये हिंद महासागर वाला एरिया है, इसमें जैसे नीचे की तरफ जैसे हम कहें एक तो अफ्रीकन कंट्री से टच करता हुआ मिलेगा आपको ये, और एक ये इस साइड में इंडिया, आप इसको गौर से देखोगे तो ये एम शेप में शेप का मिलेगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हिंद महासागर का जो क्राइटेरिया है ये इस साइड में है, आप देखने का प्रयास करें इसको, और यहाँ से ना दिखे तो आप अपनी मैप का सहारा ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, जो भी है आप अपने हिसाब से देखें। अब आप गौर से देखोगे ये हिंद महासागर वाला एरिया है, ये जापान जापान फिलीपींस, ये तो क्या इधर आ गई, ये नहीं जापान है, फिलीपींस है, ये तो प्रशांत महासागर के अंदर आते हैं, मेरे से भूल चूक होगी, ये जो है आप यहाँ गौर से देखिए, ये एम शेप बनता है। अब पुराने पेपर उठा के देखिए तो आपको ये पता लगेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सा महासागर है जो एम शेप का है। तो ये जो हिंद महासागर है आप देखना, ये एम शेप का है, एम शेप का है। एक और क्वेश्चन आता है, एस आकृति का कौन सा है, एस आकृति का अटलांटिक महासागर होता है, खैर उसको आप देखते रहे। अब देखिए इन देशों की यदि मैं बात करूं तो ये जो देश है आप देखिए यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, और अमेरिका और कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है, इसको आप ओशिनिया भी बोल देते हैं, ये इंसुलेटेड है, क्लियर। तो एक तो आपके लिए है कि आप हिंद महासागर को मैप में देखें। अब देखिए कितने महाद्वीप के लगे हुए हैं, अब एक चीज और बताऊं आपको मैं, हालांकि अभी कर मत देना, हुआ भी नहीं है, लेकिन भारत, जापान और दक्षिण कोरिया, इनको इसमें शामिल करने की योजना है आगे, तो एक छोटा सा नोट डाल के लिख दीजिए, फाइव आई में भारत, जापान व दक्षिणी कोरिया को शामिल किए जाने की योजना है। अब कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, अभी फिलहाल फाइव आई में है। तो यहां पर जो मैं लेटेस्ट क्वेश्चन बताऊं वो ये बन सकता है, आपसे कहेगा फाइव आई में शामिल नहीं है, तो आज की डेट में यदि ये क्वेश्चन बनता है तो आपको कह देगा यूके, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, तो आज की डेट में इंडिया शामिल नहीं है, कल शामिल होता है तो फिर क्वेश्चन एक नए रूप में आएगा, क्लियर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब मैं इसमें एक अलग थोड़ा सा टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ। छोटा सा टॉपिक है लेकिन वर्तमान में वो समस्या भी बहुत बड़ी है, उस पर क्वेश्चन आने की उम्मीद भी है, लेकिन उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है आपने। देखिए, हम बात कर रहे हैं सड़क दुर्घटनाएं, छोटा सा टॉपिक है सड़क दुर्घटनाएं, क्लियर। अब ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट के तहत दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं कहां हुई है, पहला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं कहां हुई। दूसरा क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं के कारण सर्वाधिक मौत सबसे ज्यादा मृत्यु कहां हुई, मौत कहां हुई, कुछ भी कह सकते हो। यहां ये ध्यान रखना, देखो सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं जो है ये हुई है तमिलनाडु में, और सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौत वाला जो राज्य है ये है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। क्लियर, ये इनमें कंफ्यूजिंग मत रखते ना, गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ फाइव आई नामक टॉपिक को पढ़ा, जो छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मेरा ऐसा आंकलन कहता है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा रूप लेगा। तो इसकी बेसिक चीज है ध्यान रखना, अभी इसमें 5 देश शामिल हैं, आगामी टाइम में कितने और नए देश शामिल कर दिए जाते हैं ये महत्वपूर्ण है, और उसके बाद में ये हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर निगरानी रखने से संबंधित है। आप जानते हो ये विश्व की समस्याओं में शामिल होता जा रहा है, तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप मेरे इस 5 I नामक टॉपिक को पूरे या प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसके लिए आप सोशल मीडिया की हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।